आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस बार देश भर में दो दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। कुछ लोग आज तो कुछ लोग कल महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो वहीं मंदिरों में भी आज और कल दोनों ही दिन शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की। और देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। हरियाणा में भी कई जगहों पर आज ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। पानीपत के 400 साल पुराने सिद्ध देवी मंदिर में महाशिवरात्रि खास तरीके से मनाई जाती है। शाम को धूमधाम के साथ शिव की बारात निकाली जाएगी और रात 4 विशेष पूजा की जाएगी। शिवरात्रि इस बार 13 और 14 फरवरी को मनाई जा रही है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और ये पानीपत का प्रसिद्ध देवी मंदिर है। सदियों पुराना मंदिर, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, उससे भी पहले का मंदिर है। श्रद्धालुगण सुबह सुबह आए हुए हैं और एक खास बात ये भी है कि कुछ लोग आज और कुछ लोग कल शिवरात्रि मना रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव की महिमा का कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आज मनाए या कल मनाए। हरियाणा में इस बार शिवरात्रि दो दिन मना रहे हैं। आज शायद हरियाणा के ज्यादातर लोग आज ही मना रहे हैं। आज ही मना रहे हैं सर शिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पर्व आज बड़ी धूमधाम से पानीपत के देवी मंदिर प्रांगण में मनाया जा रहा है और माता बाला सुंदरी की कृपा से, प्रधान काकू बंसल जी की कृपा से यहाँ बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। सब माँ की कृपा है और आप सब लोगों का आशीर्वाद। सिद्ध देवी मंदिर में सुबह ठीक 4:30 बजे से लोग यहाँ आने शुरू हुए हैं। मंदिर खुलते ही लोग आना शुरू हो गए थे क्योंकि मंदिर की काफी मान्यता है। एक भगत और हमारे साथ खड़े है। मंगला जी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भोले को देवों का देव कहा जाता है, तो ये महिमा तो आप भी जानते होंगे उनकी। भोले बाबा भोले सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ था। हम लोग बड़ी धूमधाम से बाबा का विवाह मनाते हैं और रात्रि के समय भी आज महाशिवरात्रि है, तो इसलिए रात को 4 अभिषेक होंगे यहाँ पर। जो भक्तजन यहाँ अभिषेक में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और बाबा भोला सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बम बम भोले। भगवान शिव की पूजा जितने पुरुष करते हैं उससे ज्यादा महिलाएं भी करती हैं। भगवान शिव को अपनी मनोकामना पूर्ण मानने वाला देवता मानती है। बहुत टाइम से आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव के बारे में तो, शिवरात्रि के पर्व के बारे में। वो तो आज अच्छा प्रोग्राम होगा भोले बाबा का। भोले बाबा की आज के दिन शादी हुई थी, आज बारात लेके जाएंगे हम जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ से आएंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम होएगा आज। तो ऐसी बारात तो किसी और की नहीं होती होगी, जो ये भोले बाबा की होती है। बहुत अच्छी होती है भोले बाबा की। सब तरह के बाजे होते हैं, नाचते गाते बहुत अच्छे बस उठा के लाते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। देखिए, शिव जी के प्रति हर आदमी की आस्था है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। शिव जी को देवों का देव कहा जाता है और वो देव जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कैमरामैन धर्मवीर के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। गुरुग्राम में भी दो दिन महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। कुछ लोग आज महाशिवरात्रि मना रहे हैं तो कुछ कल। गुरुग्राम के गुफा वाली मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया। मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने। गुरुग्राम का एक गुफा वाला मंदिर है, आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ शिवलिंग को जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं और साथ ही पुष्प वगैरह अर्पित कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि दो दिन यहाँ गुरुग्राम में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, आज भी है और कल भी, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि उतनी भीड़ नहीं है। अमूमन इस मंदिर में जो पंचमुखी शिवलिंग है यहाँ पर कल की शिवरात्रि है और जो लोग हैं वो कल सुबह से मनाएंगे। हालांकि कुछ लोग आज ही महाशिवरात्रि यहाँ मना रहे हैं। जो मंदिर की पुजारिन हैं उनसे बात करेंगे कि आज जो भीड़ है कम है, क्या वजह है? क्योंकि शिवरात्रि दो है, 13 तारीख को भी और 14 तारीख को भी, तो आज प्रदोष युक्त जो शिवरात्रि करते हैं व्रत रखते हैं वो आज रखेंगे और जो महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे वो कल 14 तारीख को रखेंगे। तो दोनों दिन शिवरात्रि है, जो जिस दिन मनाना चाहे। कितना महत्व है इस बार महाशिवरात्रि? महत्व तो हर दिन का ही है भोले बाबा हमारे यहाँ, लेकिन भोले बाबा मतलब ये त्योहार हम इसको बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं कि भोले बाबा का
एक विवाह उत्सव भी है। और जो लोग अपना यज्ञ करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर व्यक्ति अक्सर कुछ न कुछ उसकी इच्छाएं होती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो भगवान की आराधना करता है। तो जो अभी संसार में युक्त व्यक्ति है वो अपने भौतिक साधनों के संसाधनों में जुटे हुए हैं, वो अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए भगवान के व्रत और अनुष्ठान करते हैं निश्चित तौर पर जी। और बाकी जिसको जो चाहिए, निष्काम का पूजा भी होती है और सकाम पूजा भी होती है, इसलिए सकाम पूजा करने वाले आज भी व्रत करेंगे कर भी करेंगे। जिनको निष्कामता चाहिए और जिनको सिर्फ मोक्ष चाहिए तो वो चतुर्दशी वैद्य हमारे यहाँ जो शिवरात्रि आती है उसका फल शास्त्रों में ज्यादा बताते हैं, तो फल तो बराबर होता है लेकिन ये हमारी आस्था और श्रद्धा की भावना है कि हम इसको किस दिन मनाएं। तो आजकल चलता है कि हमको कब मनाना चाहिए कैसे मनाना चाहिए, तो इसके लिए हम भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोई बोलता है आज की शिवरात्रि ज्यादा फलदायी है, कोई बोलता कल की शिवरात्रि ज्यादा फलदायी है। तो कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरही पारा, तो दोनों दिन मनाओगे दोनों दिन फल तो मिलना ही मिलना है। व्यक्ति कर्म करेगा तो फल उसको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आज भी मनाओ कल भी मनाओ, ये तो भोले बाबा के विवाह का उत्सव है। बोलिए शंकर भगवान की। बिल्कुल सही कहा, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और जो लोग मनाते हैं कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं इनसे बात करेंगे। आप लोग आज मना रहे हो या कल मना रहे हो? हम वैसे व्रत हम कल करेंगे लेकिन भगवान के दर्शन के लिए हम आज भी आ गए हैं और वैसे व्रत उपासना हम कल करेंगे। तो ये है, ये फागुन माह की शिवरात्रि है, भगवान शंकर और पार्वती माँ का विवाह हुआ था। तो माँ पार्वती ने सैकड़ों वर्ष तपस्या करके और फिर शंकर भगवान को खुश किया और उनसे फिर विवाह किया था। तो सभी हमारे पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और आज फागुन का शुरुआत हो चुकी है। और बिल्कुल देखिए ये महाशिवरात्रि है और दोनों दिन मनाया जा रहा है। आज भी लोग जो कुछ लोग हैं जो व्रत रखे हैं वो यहाँ आकर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और कुछ लोग जो कल व्रत रखेंगे कल महाशिवरात्रि मनाएंगे कल भगवान को खुश करने की पूजा अर्चना करेंगे। कैमरामैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।